अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। रोज रात में करो पत्नी के साथ ये एक काम, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कामों के बारे में जो आपको रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हमारे दिन की शुरुआत सूर्य उदय और शाम की शुरुआत सूर्य अस्त से होती है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त को दिन और रात का संधि समय माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य अस्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता। कुछ घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती, इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। इन दोषों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलत आदतें भी शामिल होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे होते हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करने चाहिए, इससे उल्टा घर में गरीबी आने लगती है। दोस्तों महिलाएं अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और अगर चाहे तो कुटिया से महल बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को 5 काम कभी भी नहीं करने चाहिए, इससे उल्टा घर में गरीबी आ जाती है। दोस्तों आप यकीन मानिए, जब कोई महिला घर में रात के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीनन गरीबी अपना वास बना लेती है, घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से वो काम है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर फैला देते हैं, मगर ये एक तरह का वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती है और उनके असर से आप में नकारात्मकता आ सकती है। रात के समय बहुत से लोग झूठे बर्तन रख देते हैं, मगर ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। नंबर 2, कई लोग रात को सोते समय जूते चप्पल बेड के नीचे और सिरहाने की तरफ रख देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही दिमागी तनाव भी हो सकता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात में अंधेरे में ही नींद आती है, मगर वास्तु शास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए, हल्की रोशनी अवश्य रखें, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। या इसकी जगह आप कमरे में देसी घी का दीपक जलाकर भी सो सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए सीधे ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत उससे रूठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। नंबर 3, रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत होती है। शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और साथ ही वास्तु दोष भी लगता है, इससे घर में दरिद्रता आती है। रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली न छोड़ें, भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या पर्दा गिरा दें, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। रात को सोते समय सिर या पैर दरवाजे की ओर न करें, दरवाजे की ओर पैर या सिर करके सोने से मृत्यु का भय बनता है। नंबर 4, घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफी नहीं है, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनाई जा सकती है। कहते हैं कि घर में लक्ष्मी जी का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई होती है। सूर्य उदय के बाद सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई आदि करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय खास तौर से सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के कचरे को रात में ही बाहर ना फेंके, अगले दिन सुबह साफ सफाई करने के बाद फेंके। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब भी घर में नई झाड़ू लाएं तो उस पे सफेद रंग का धागा बांधना चाहिए। ध्यान रहे कि इसकी सीख यहाँ वहाँ ना फैली हो, इससे धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को भी छिपा कर रखना चाहिए, घर में झाड़ू को छिपा कर रखने से लाभ होता है, इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए, इससे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा है, ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती है और दरिद्रता नहीं आती। रात के समय झाड़ू को घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद लाभकारी माना जाता है। कहते हैं रात के समय ऐसी जगहों पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। खाना खाने की जगह पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, खाने की जगह पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने का खतरा रहता है।
नंबर 5, आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा। घर में तुलसी होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल देना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती है और घर से सुख समृद्धि दूर रहती है। जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ धन हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी होने लगती है। सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने बालों को ना काटें और ना ही शेव करवाएं। कई लोग सूर्यास्त के बाद बाल काट लेते हैं या फिर शेव कर लेते हैं। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन हानि होती है। दोस्तों, ये तो थे वो काम जो रात के समय नहीं करने चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। उनकी नीतियों के दम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया ये एक काम रात में जरूर करें। अगर आप भी चाणक्य द्वारा बताए गए उन कार्यों को रात में अपनी स्त्री के साथ करते हैं तो आप भी बहुत जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि पत्नी के साथ ये एक काम रात में करने पर कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पति को अपनी पत्नी से दिल खोलकर प्रेम करना चाहिए। पति पत्नी में कोई भी भेद ना रहे और अपनी पत्नी से दिल खोलकर रात में प्रेम करें। अगर पति पत्नी में कोई मतभेद भी हो तो रात में सब गिले शिकवे दूर करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग के समान माना गया है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बेडरूम में बिताए गए पलों को किसी दूसरे के सामने कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात का जिक्र घर में कभी किसी से नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जब पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है तब घर में संपन्नता अपने आप खींची चली आती है, वो व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ काम जो आपको रात के समय करने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो में हमने आपको बताया कि रात के समय आपको अपनी पत्नी के साथ कौन सा वो काम है जो जरूर करना चाहिए अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय महाकाल।